चुनाव में वोट मतदाता यार उन्हीं मुद्दों पर डाले जा रहे हैं, विकास को लेकर और ये अपना जितनी महंगाई को लेकर, ये सब सारी चर्चा काफी अहम रही, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार थी उसको उसके बाद जो मतदाताओं का निर्णय है वो आज अब 10 मार्च को पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार से काफी खफा लोग दिखाई दे रहे थे। ऋषभ, क्या बातचीत हो सकती है मतदाताओं से आपके आसपास, अगर कोई मतदाता हो, महिला मतदाता हो तो उनसे खास बात हम करना चाहेंगे? मैं महिला मतदाता नहीं, मेरे साथ एक मतदाता है, मैं उनको बुला लेता हूँ। आज आप एक वोट डालने आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने पहली बार वोट डाली है, मैं हो चुका हूँ और मैंने अपना वोट दे चुका हूँ मैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को देखते हुए मैंने जहाँ भी वोट दिया, मैं अपना वोट बताऊंगा तो नहीं मैंने किसको दिया है, हालांकि पर मैंने अपना वोट दे चुका हूँ। तो क्या परेशानी से आपको जूझना पड़ा है जिसको आपने वोट अपना प्रत्याशी चुना होगा? देखिए, मैं बात करूँ तो महंगाई की तो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और महंगाई को लेकर जो भी लोग बाग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और रसोई जगह गैस ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, अन्य सामान ना, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई से जूझ रहे लोग बाग ना। तो किसकी तरफ यहाँ पे किसकी तरफ रुझान उत्तराखंड में हम जान सकते हैं आपसे, जनता का जा रहा है रुझान? तो जनता का कांग्रेस की तरफ जा रहा है इधर।